शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हिंदुस्तान आजाद हो गया है, सारे राजा महाराजा खत्म हो गए, फिर भी अभिमान के तहखानों में कहीं कहीं राज का भूत अभी तक जी रहा है। ये कंवर यशवंत सिंह की सालगिरह का जुलूस है। ये जुलूस नहीं, ये आम आदमी की छाती पर यशवंत सिंह की ताकत का हस्ताक्षर है। चिरागा तो है लेकिन इन दियों में तेल नहीं, आम आदमियों के आत्मसम्मान का लहू है। ये कंवर यशवंत सिंह हमारे वर्तमान की एक घिनौनी हकीकत है। औरतों का बदन इनकी निजी शिकारगाह है, जिसमें ये बलात्कार के भाले से इज्जतों का शिकार करते हैं। अभी तक पूरा ट्रेन नहीं और राजकुमारी को सवारी करनी है। इनकी बहन राजकुमारी देविका भी इन्हीं के साथ अभिमान के साथ वे आसमान पर रहती है। इस ऊंचाई से इन्हें हर आदमी कीड़ा मकौड़ा दिखाई देता है। देविका के लिए जिंदगी एक तेज रफ्तार घोड़े की तरह थी, जिसे उसके इशारों पर दौड़ना ही चाहिए। भूल गए? तुमने हमें सहारा देने की हिम्मत की? क्योंकि रियासत तुम्हारे बाप के जमाने से खत्म हो गई थी। रियासत के साथ हमने ही खत्म हुए हैं।
छोटे लोग और जानवरों के साथ यही सलूक होना चाहिए। राजपाट चला गया मगर इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो भगवान से रात दिन यही प्रार्थना करता हूँ कि इन बहन भाइयों के अकड़ का घी निकालने वाला कोई तो आए। हमारी एकलौती बहन बहुत गुस्से में है और उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए हमने एक नया घोड़ा खरीद लिया है और उस बदतमीज घोड़े को हमने गोली से उड़ा दिया है। हमारी बहन के साथ जो बदतमीजी करेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। नीचे दर्जे के लोग और जानवरों के साथ यही सलूक होना चाहिए। मगर भाईश्री, इससे पहले उसने कभी मिसबिहेव नहीं किया। इंसान की हैसियत बदलने में वक्त ही क्या लगता है। अब बिरजू को ही देख लो, बिरजू से ब्रिज मोहन बन गया है और साथ में एमपी भी। वो ये बिल्कुल भूल गया है कि उसका बाप हमारे दादाश्री के यहां आम के बगीचे की रखवाली किया करता था और आज ऐसा वक्त आ गया है कि दशहरे और दिवाली के दिन हमें उसके यहां मिठाइयां भेजनी पड़ती है क्योंकि उसका कोई साला मिनिस्टर है। गुस्सा हमें भी आता है मगर क्या करें, जंगली जानवरों पर उतार देते हैं। खैर, तुम चलोगी शिकार पर? भाईश्री, आपको पता है मुझे शिकार का बिल्कुल शौक नहीं है और कल तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। कल कोई खास बात है? भूल गए ना, अरे कल मेरी नई स्पोर्ट्स कार आ रही है। हमारा काम कैसे होगा है? अरे क्या हो रहा है? अरे ओ भाई क्या हो रहा है? लाइन में खड़े हो जाओ यार। अरे भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओ भाई साहब, क्या कि मेरे गुरुजी ने कहा है अगर अच्छा मैकेनिक बनना है ना तो नारी जात की इज्जत करना चाहिए, तो मैं इस नारी की थोड़ी सी सहायता करना चाहता हूँ आदर के साथ। मैं भी नारी का आदर करूंगा। अरे ना 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 ना। ये लोग माफी मांग चुके हैं। ए, ए, चलो नारी जी का आदर करो, पैर छुओ, चलो। सब भाग गए।
मैन साहब, ये जगह इस वक्त सैर करने के लिए नहीं है। मैं सैर नहीं कर रही थी मिस्टर। नंबर एक, कि मेरा नाम मिस्टर नहीं बिल्लू चौधरी है। जो लोग प्यार करते हैं वो बिल्लू बिलिया बिल्ले ये कहकर पुकारते हैं, और जो लोग डरते हैं वो बिल्लू चौधरी कहते हैं। नंबर दो, जिन्हें बीन बजाना ना आता हो उन्हें सांप के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और जो गाड़ी को अंदर से बाहर से अच्छी तरह से ना जानते हो उन्हें गाड़ी लेकर घर से अकेले इतनी दूर नहीं आना चाहिए। Will you please shut up? इतनी छोटी सी नाक पे इतना बड़ा गुस्सा ठहराती कैसे आप? थैंक यू कहने की जगह आप शट अप कह रही हैं। वैसे मैं एक अव्वल नंबर का मैकेनिक हूं, आप मुर्दा गाड़ी ला दीजिए उसमें भी जान डाल दूंगा। अब जब यह गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी ना तो इसके इंजन की आवाज सुनना, ये छे छे पैसे कलकत्ता, छे छे पैसे कलकत्ता, जैसे रेलगाड़ी बोलती ये गाड़ी भी बुम बुम। थैंक यू बिल्लू, थैंक यू। गेट लॉस्ट मैन, तुम जैसा सड़क छाप मैकेनिक इन गाड़ी के बारे में क्या जानता है? लेडी, समडे समबडी विल हैव टू गिव यू अ लेसन ऑन बिहेवियर। वैसे इस गाड़ी का ऑयल सील टूट चुका है, इसे गैरेज ले जाना पड़ेगा। अगर आप घर जाना चाहती हैं तो आइए। Never get lost. ठीक है, फिर रात यहीं गुजारिए। लेकिन एक बात बता दूं, इस हाईवे पर दो पैर के गुंडों के सिवा भी चार पैर के क्या कहते हैं उसे? ए ए मैडम, जरा प्यार से चिपक कर बैठिए। Will you please move the motorcycle? ठीक है। फिर आप ही जाने कहां आप लुढ़केंगी।
पिला के सनीमा दिखाऊंगा। फाइव स्टार होटल में डिनर खिलाऊंगा, आई है दिल में तो घर तक लाऊंगा। मेरी वो बनेगी अभी तो कहेगी प्यार में मैं फंस गई, बच गई, अरे बच गई, बच गई, बच गई प्यार की घंटी, अरे बच गई, बच गई, बच गई प्यार की घंटी, अरे बच गई, हाँ बच गई, अरे बच गई। ये रही तुम्हारी मजदूरी की कीमत और ये तुम्हारी बदतमीजी की सजा। एक मिनट मैडम, मैं औरत की आबरू बचाने की मजदूरी नहीं लिया करता और औरत पर हाथ भी नहीं उठाता, वरना सूद समेत वो भी वापस कर देता। बदतमीज, बाय। चलो डरी फूल। अरे बारे गौरी, तू तो एकदम मैडम एक्स लग रही है। देखता नहीं काम कर रही हूँ? आज से अपन काम के वक्त ऐसा ही ड्रेस पहनेगा। अरे गाड़ी में ऊपर नीचे अंदर बाहर कहीं भी घुसना पड़ता है, और साला तेरा ही टाइम है आने का। बाबा मर गया तो तू शेर हो गया, सोचा गौरी तो छोकरी है क्या कर लेगी, और जिस दिन अपन की खोपड़ी खसक गई ना तेरा थोपड़ा बिगाड़ देगी। हाँ। अरे बाबा, अरे बाबा, बात बात करती रहती है। मास्टर जी तो चले गए लेकिन बला मेरा सर छोड़ गए। क्या बोला, पक पक करती हूँ, बोला था 10 मिनट में ट्रायल लेकर आता हूँ, अब हुआ तेरा 10 मिनट। ऊपर से बात करता है, काम एक पैसे का नहीं और दो वक्त की रोटी के लिए बुआ बुम करता है। मैं कोई तेरी नौकर नहीं लगी, मालिक हूँ इस गराज की। आज तुझे तो अपोजिशन का लीडर होना चाहिए, बोलती रहती है, बोलती रहती है। अबे ओ कुलभा मिंदारी, कहाँ मर गया? हमें किसने इतने जोर से पुकारा, हम बहरे नहीं है फरियादी। फरियाद है आलम पना, इस छोकरी से हमें बचाइए। अरे क्या किया है इस छोकरी ने फरियादी? देखा हम हाथ में क्या संभाले बैठे हैं गुलफाम। देखा हाँ। यार गुलफाम हाँ। देख किसी की किस्मत तो फुटनी है ना हाँ। तू मेरा दोस्त है हाँ। तू इससे ब्याह क्यों नहीं कर लेता, तो रोज रोज की खिटपिट से मैं बच जाऊ। मैं और इससे शादी? एक बात बताऊ, अरे इस एटम बॉम्ब के साथ जिसने शादी की ना उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। ओए साले, बच के तो जाएगा। नीचे उतर साले, खैर अभी तुझे देखती हूँ। नीचे उतर, नीचे उतर साले, उस्ताद के चमचे। उतर नीचे, उतर मैं बोलती हूँ साला, उतर नीचे, उतर, उतर मैं कहती हूँ। नीचे नहीं आना, मरेगा बेटा। देखा, अब तुम लोग मुझसे खाना मांगना, मैं देगा इच नहीं। अरे नहीं 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 गोरी, ऐसा नहीं करना, मुझे बहुत कस के भूख लगी है। भूख लगी है तो मैं क्या करूँ, खाना दो दो किलो खाते हो, काम एक धेले का नहीं करते। मैं गराज चलाती हूँ, कोई लंगर नहीं समझे। अरे रे रे लड़की, जात है जबान पे गांठ मार कर जीना से, वरना तेरी सास तेरे ऊपर केरोसिन डाल के तुझे फूंक देगी। मेरी सास होगी इच नहीं। ससुर तो होगा? वो भी नहीं होगा। तुझे कैसे पता? तेरा मेरे सिवा कोई है इच नहीं। ला मुझे कोई पागल कुत्ते ने गाड़ा जो तेरे से शादी कर लूंगा। तू किसी और के साथ शादी बना के देख, उसके साथ तेरे को भी खलास ना किया ना तो अपना नाम गौरी देवी से बदल देगी। हाँ हाँ, तू एक काम कर, फिर वो गौरी देवी बदल ले, क्योंकि देवी तेरे साथ जाता नहीं है। ऐसा? अरे पीछे मार रही है रसीला। मैं उसका ऐसा बोला? जल्दी कर लेते, तेरी धुलाई कर दूंगा। साले गुलफाम, तेरे को तो मैं छोड़ेगी नहीं। साला खाता मेरी है और मानता इसकी है। अगली बार खाने में ऐसा जहर मिलाऊंगी कि तेरा अंग अंग पानी बन के बह जाएगा। भगवान करे तुझे एड्स हो जाए।
ये एड क्या होता है? अरे ये अंग्रेजी बीमारी है। अरे तो मुझे क्यों कोसे जा रही है? मैंने क्या किया? उस्ताद को बोलना। अरे छुटने दे, इसको भी सीधा करती हूँ। ए चल चल, इसको बोलने दे। अगर कुसुम मैन की गाड़ी ठीक नहीं हुई ना तो हमें खा जाएगी। हीरो होके विलन जैसे काम करता है, भगवान करे तेरी गाड़ी कभी ठीक ना हो। अरे उस्ताद, कभी कभी ये बद्दुआएं सच भी हो जाती है। खोल देना यार, खोल दे। खोल दो। चल लग रहा है। बेचारी कितनी मासूम लग रही है ना। खोला खोला खोल। देख खुलने के बाद मारना नहीं। देखा ना, देखा। जा तू अंदर जा। मास्टर जी की तस्वीर के सामने मेरी शिकायत कर। तब तक मैं कुसुम बहन की गाड़ी ठीक कर लेता हूँ। अरे बाबा से शिकायत करने की क्या जरूरत है? तेरे लिए तो हमीज काफी है। दिखाया ना अभी? हाँ देखा। समझे रे। चल पाना ला। वैसे उस्ताद, आज तुम्हारे चेहरे पे पॉलिश कुछ ज्यादा ही चमक रही है। लगता है तुमने गौरी के बारे में सोच ही लिया। अरे तुम अच्छे मैकेनिक हो, उसका स्क्रू तो टाइट कर दो यार। ए, बकवास नहीं करना। अरे उस्ताद, मुझे तो खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। उसने तुम्हारा टेंट वा दबा के तुमसे शादी कर लेनी है। ए, मैं इससे कैसे शादी कर सकता हूँ? वैसे मैंने अपने लिए चुन ली है। कसम अल्लाह की, तुमने चुन ली? कौन है? शक्ल से तो राजकुमारी लगती है। रास्ते में कुछ गुंडों ने खेल लिया। अपन भी कुछ कम नहीं। तुम दबा के सब भाग लिए। उसके बाद जनाब, उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। हाय कसम अल्लाह की, गले में बाहें डाल दी। फिर तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, उसने मुझे प्यार किया। उसने तुम्हें प्यार किया? कहाँ? इधर। हाय अल्लाह, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने भी उसे प्यार किया। कहाँ? आए वहाँ। तौबा, अरे उसके प्यार का मजा कैसा था, खट्टा के मीठा। जैसा तुझे हलवा लगे वैसा। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त वो मेरे प्यार का मजा ले रही होगी। गुलफाम भाई, मैं वो नहीं हूँ। पाना। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। आपके लिए बात रेडी करूं? ओके। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। मॉर्निंग। कुलभूषण ड्राइवर को गाड़ी नहीं मिली। एसपी साहब को फोन लगाओ। यस मैडम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। लो आ गई। ए, किसकी गाड़ी है ये? अरे बोलता क्यों नहीं किसकी गाड़ी है? बोलना किसकी गाड़ी है? ए गौरी, मैंने तेरे को कभी पूछा ये किसकी गाड़ी है? अरे बता तो सही किसकी गाड़ी है? ऐसी चमकीली गाड़ी तो आज तक अपने गैरेज में आई नहीं। कार वाले का मगज फिरेला है क्या? देख गौरी, एक घंटे में मुझे डिलीवरी देनी है, तू बक बक मत कर। मालकिन से बात करने का ये तरीका है? अरे ओ गुलबम। आ रहा हूं उस्ताद। अरे मीठे मासा जी के घर में ये तीखी मिर्ची कहाँ से पैदा हो गई यार? अरे इसकी तो अरे मैं तेरी हरकत सब समझती हूँ। काम चोर दिन रात काम करके बीमार पड़ना चाहता है ताकि दवा दारू का फटका अपुन को लगे, पर अपुन के गैरेज में अपुन के सामने मैं ये होने नहीं देगी। 8 घंटे से ऊपर काम किया ना तो डिसमिस कर देगी। हाँ अरे गुलफाम, इसे जरा बोल, कोई अच्छे कपड़े पहने, लड़के वाले आने वाले हैं, थोड़ा शर्माने की प्रैक्टिस। तू क्या समझता मुझे शर्माने नहीं आता? ये देख। पर अपन लड़के वालों के सामने नहीं शर्माएगी। हाँ गुलफामुआ, ये चाहता है कि मेरी शादी करके मुझे तो चलता कर दे और खुद ये गराज हड़प ले, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बिल्कुल 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 उस्ताद, मैं कह रही हूँ ये बगैर शादी किए तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, तुम इससे शादी कर ही लो। अबे ओ, मैं शादी करूंगा ना तो इस गाड़ी वाली से। क्या चीज है यार, पटाखा है, अंगारा है, अंगारा 6 फीट तक आ जाती है। साला मुझे अंगारा बोलता है? हाँ, मैं तो अंगारा हूँ, पर ऊपर वाला कोई स्पेशल डिलीवरी से तेरे लिए शहजादी नहीं भेजेगा। तू लड़के वाले बुलाता रहे, अपुन किसी को पसंद नहीं आएगी। मैं ऐसे कर लेगी वो मुझे भूत नहीं समझ के डर के भाग जाएगा। गुलफमवा, इसको बोल दे अगर कोई दूसरी लाया ना तो खलास कर देगी, चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए, कोई वादा नहीं। बिल्कुल खलास कर देगी तेरे को।
चमचे की औलाद चल पॉलिश कर। चल तू गाड़ी ठीक मारूंगा ना एक झापड़। ये ले लूं उस्ताद। हाय। तुम गाड़ी चोरी किया है क्या? पुलिस ने दौड़ा दिया था, बड़ी मुश्किल से पुलिस को झांसा देकर यहां लाया हूं। ये रही आपकी गाड़ी और ये रहा 130 रुपए का बिल। बिल? तुमने इस गाड़ी को हाथ लगाया? गाड़ी को हाथ नहीं लगाता तो ठीक कैसे होती? तुम क्या समझते हो ये कोई खटारा हिंदुस्तानी कार है? तुमने सपने में भी ऐसी गाड़ी देखी है? मैं क्या पागल हूँ कारों को देखने में अपने सपने खराब करूं? गार्ड, यस मैम, इसे मार मार कर बाहर निकाल दो। जी। ए, हाथ, ए, हाथ नहीं लगाना, हट हट। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। मॉर्निंग, इसे फौरन बंद कर दो। हवलदार, ले चलो इसे। लेकिन सरकार ये तो सलाह है, पुलिस बोलो से जबान लगाता है। हवलदार, ले चलो इसे। राजकुमारी, इस अन्याय का बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। चल चले, बड़ा मैकेनिक बनता। आओ गुरु आओ, आज किसकी जेब काटी? जेब तो नहीं काटी, एक विलायती गाड़ी ठीक की है। अरे विलायती गाड़ी ठीक किया? अरे भाई ये तो कोई जुर्म नहीं हुआ ना? मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि यहाँ से निकलने के बाद एक जुर्म करना है, एक विलायती लड़की को ठीक करना है। ये प्रोग्राम उतना ही पुराना है जितना आपका घराना। ये प्रोग्राम आपके पिताश्री बड़े दिल से किया करते थे, इसीलिए अपने भाई श्री से कहिए ना कि हमारी मदद करें। अच्छा मैं बात करती हूँ, ठीक है मैं चलती हूँ। ओके। अब देखता हूँ तुम्हारी गाड़ी कैसे चलती है। बाय बाय। अकेले मुझे नहीं तो मेरे यार मेरा प्यार साथ ले ले। मेरे प्यारा हाँ प्यारा के नाम कुर्बान हो जा। मेरे प्यारा हाँ प्यारा के नाम कुर्बान हो जा हो जा। सुनी सड़क पे ना जा अकेले मुझे नहीं तो मेरे यार मेरा प्यार साथ ले ले। ओ मेरे प्यारा प्यारा के नाम कुर्बान हो जा। ओ मेरे प्यारा प्यारा के नाम कुर्बान हो जा हो जा हो जा।
हम आशिक दिल वाले हैं, दिल के भोले भाले हैं, अरे हम आशिक दिल वाले हैं, दिल के भोले भाले हैं, दिल कदमों पे बिछा देंगे तुमको घर पहुंचा देंगे, दिल जानी सुनी सड़क के नाचा अकेले मुझे नहीं तो मेरे यार मेरा प्यार साथ ले ले, ओ मेरे प्यारा अपारा के नाम कुर्बान हो जा, ओ मेरे प्यारा अपारा के नाम कुर्बान हो जा, हो जा हो जा। नहीं तो मेरे यार मेरा प्यार साथ ले ले, ओ मेरे प्यारा अप्यारा के नाम कुर्बान हो जा, ओ मेरे प्यारा अप्यारा के नाम कुर्बान हो जा, हो जा, हो जा। रमेश सुनी सड़क पे नाचा अकेले मुझे नहीं तो मेरे यार मेरा प्यार साथ ले ले, ओ मेरे प्यारा प्यारा के नाम कुर्बान हो जा, हो जा हो जा, मेरे प्यारा प्यारा के नाम कुर्बान हो जा, हो जा हो जा हो जा। आइए। आज के लिए इतना ही काफी है। अरे हट साले, रास्ता छोड़, छोकरी हाथ नहीं लगाना तुमको वरना हाथ तोड़ देगी, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ छोड़ मैं कहती हूँ, हट ना। सुनिए तो, सुनिए मैडम। अरे हट, कौन है ये बदतमीज लड़की? ए जबान संभाल कर बात कर, फिर गाली दिया तो थोबड़ा बिगाड़ देगी। अपुन गौरी है, अखी बस्ती अपुन के सामने मुंह नहीं खोलती समझी? इतने बड़े महल में रहती है और 130 रुपए देने के वास्ते बेईमानी करती है। फिर प्रिंसेस, ये सड़क छाप लोग मुंह लगाने लायक थोड़ी ना होते हैं, मारोगी तो खुद के हाथ ही मैले होंगे। ए चुड़ी की दुग्गी, चुप बैठ वरना ऐसा लफा देगी। बाहर निकालो इसे, देख क्या रहे हो तुम लोग। क्या हो रहा है, छोड़ दो इसे। भाईश्री ये, अरे चुप कर। देखो सेठ, अपन मजदूर लोग हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, अखी रात हम तेरी बहन की गाड़ी के ऊपर काम किए और अब 130 रुपया देने के लिए इसकी नानी मर रही है। मेरे चीफ मैकेनिक ने मजदूरी मांगा तो उसने पुलिस को बुलाकर उसे पकड़वा दिया। किसने कहा था तुम्हारे चीफ मैकेनिक से हमारी गाड़ी को हाथ लगाए? सुन लिया सेठ, तमीज तो छोकरी में है नहीं, शक्ल से जितनी अच्छी जबान से उतनी सड़ेली। देविका, अगर इसके मैकेनिक ने तुम्हारी गाड़ी का काम किया है तो दे दो उसके रुपए। भाईश्री पहले इस लड़की को इस घर से बाहर निकालिए। हे देखो देविका, ये हमारी शान के खिलाफ है। नेवा, जाती का है, मेरे पैसे तो दे दीजा। सुनो, पैसे तुम्हारे मिल जाएंगे। कितने पैसे हुए? 130। 130 ये लो, बाकी छुट्टा नहीं है, आदमी भेज के गराज से मंगवा लेना।
चमचा सिंह। यस सर। इस लड़की के गैराज का पता लगाओ। जी सर। अरे तुम गाड़ी लेके चले गई उधर, वो सेठ आके बुमा बुम। तेरा उस्ताद कहाँ है? ये रहा। क्या बात है? ये बात है, साला गोरी चमड़ी देख लिया तो मजदूरी छीन लिया। आरती जी, क्या हंगामा हो रहा है? आप इतने दिनों हिंदुस्तान से बाहर रहकर आई हैं, तो क्या आप ये भी भूल गई कि हिंदुस्तान में होली का एक त्योहार भी होता है? Shit, I hate होली। भाई श्री कहाँ है? वो शिकार खेलने गए हैं। सारे नौकरों को नीचे इकट्ठा करो। Okay. जल्दी। इस साल से इस पैलेस में होली नहीं मनाई जाएगी। तुम सबको 3 दिन की छुट्टी दी जाती है, होली के बाद वापस आना। गेट आउट। आरती जी ऊपर आओ। ओके मैडम। ये ले, भांग की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे कैसे होगी, ये तो शिवजी का प्रसाद है। हाँ, और सुनो। हाँ बदतमीज। अरे मेम साहब, ये क्या कर रही हैं आप? बच्चा है, होली खेल रहा है। फिर इसे समझाती क्यों नहीं कि अपने बराबर वालों से होली खेले? मेरी गाड़ी का पेट खराब कर दिया। तो आइए ना, बराबर वालों से होली खेलकर देख लीजिए। ए, राजकुमार से जुबान लड़ाई तो पुलिस को बुला के कैद करवा दूंगी। जो तुम्हारी राजकुमारी की नजरों का कैदी हो उसे पुलिस क्या कैद करेगी? मैं तुम्हें माफ किए देती हूँ, शायद इस वक्त तुम अपने होश में नहीं हो। आप ठीक कहती हैं, आपकी निगाहें मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंच चुकी हैं। मैं तो मदहोश हूँ। बेवकूफ हो, आग से खेलना चाहते हो? आज मुझसे बात करके आपने मेरा दिल बढ़ा दिया, तो चलिए उसकी याद में कल मैं आपसे होली खेलने आऊंगा। मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगी, मुझे होली से सख्त नफरत है। तो ठीक है, एक तरफ आपकी नफरत भरी गोलियां होंगी और दूसरी तरफ मेरे प्यार भरे होली के साथ रंग। आपको ऐसे भिगा दूंगा जिससे आपको एहसास हो कि एक बच्चे के आंसू की कीमत आपकी गाड़ी के पेंट से ज्यादा कीमती है। गेट लॉस्ट।
मन मेरा हुआ है मतवाला रंग डाला। मन मेरा हुआ है मतवाला रंग डाला। रूप की रानी के नैनों से छलका प्रेम का प्याला मुझे रंग डाला। मन मेरा हुआ है मतवाला रंग डाला। मन मेरा हुआ है मतवाला रंग डाला। मुझे रंग डाला। मन मेरा हुआ है मतवाला रंग डाला। मन मेरा हुआ है मतवाला रंग डाला। होली खेली इस बार? I'll kill that bastard. किसकी बात कर रही हो? अरे वो दो टके का मैकेनिक उस दिन मेरी गाड़ी रिपेयर करने आया था, पिल्लू चौधरी, आज घुसाया था पैलेस में। उसकी ये हिम्मत? मैंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया है, वो पकड़ा गया होगा। ऐसे सोशल क्रिमिनल्स को सजा देना पुलिस के बस की बात नहीं है, मैं उसे सजा दूंगा। अरे ए गोरे गोरे गोरे, ए गोरे, साला बेवड़ा, खाना देना, भूख लगी है। क्यों?
महल वालों ने नहीं ठुसाया? साला कुत्ते के माफिक दुम हिलाता हुआ गया था उधर। मैं पूछती हूँ तेरी लगती कौन है, क्या उसकी चमड़ी मुझसे ज्यादा गोरी है? देख देखता क्यों नहीं? मैं पूछती हूँ कौन लगती है तेरी, जो आज त्योहार के दिन भी उधर चला गया। साला दगाबाज, तू मुझे छोड़ दे, मैं तेरे बिना ही गैरेज चला लेगी। तू भड़कती क्यों है इतनी? से बात कर रहा, तमीज से तो मैं थाने में चल के बात करूंगा। पकड़ ले साले को। ए ऑफिसर, ये गाली तुम अपने खिसे में भर लो क्या, नहीं तो ये गाली तुम्हारे हलक में उतार दूंगा। जी सर मैं उसे अभी पकड़ कर लाया हूँ, वो यही है सर। जी मैं समझा नहीं सर। जी ठीक है, जो हुक्म आपका। हवलदार जी, हाथ कड़ी खोल दो साले की। जी अच्छा। बोला था यार, गलत आदमी को पकड़ के लाए। जाओ। हाथ क्यों लगा था? ये बड़े लोग भी अजीब हैं। बहन फोन करके कहती है कि बंद कर दो, और भाई फोन करके कहता है कि छोड़ दो। ये पुलिस वाला भी अजीब है यार, घसीट कर लाया और इज्जत से छोड़ दिया।
सीधे रास्ते पर लाऊंगा। चमचा सिंह। गुड इवनिंग सर। देविका कहाँ है? सर वो घर में बैठे हुए बोर हो रही थी इसलिए डिस्को गई है। डिस्को? जी। जब वापस आए तो कहना कि हम बंडीपुर के शिकारगाह में गए हैं। जी। 7 दिन बाद वापस आएंगे। ओके सर। चलो मेरे साथ। क्या कर रहे हो तुम? Leave me alone, छोड़ दो। तुम लोग शिकारी हैं, रात भर कोई शिकार नहीं मिला। हमें क्या पता था इस रेस्ट हाउस के पिंजरे में एक खूबसूरत चिड़िया बंद है। ये सब क्या कर रहे हो? भागने की कोशिश मत करना, ये जंगल गोश्तखोर जानवरों से भरा हुआ है। यहाँ कुछ डाकू भी हैं जो तुम्हें देखकर ये सोच सकते हैं कि मुफ्त आया माल क्यों छोड़ दें। कल रात तुम कुछ बदले की बात कर रहे थे, क्या बदला लोगे? कैसा बदला लोगे?
जितना सताया है तूने तुझको है उतना सताना, जितना जलाया है तूने तुझको है उतना जलाना। मैंने कसम है उठाई तुझको मुझे है झुकाना, अपने इशारों पे एक दिन तुझको मुझे है नचाना। तरसाऊं 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 मैं तरसाऊंगा, तड़पाऊं 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 मैं तड़पाऊंगा, तोड़ूंगा मैं कभी तेरा ये सारा गुरूर, तड़पेगी तू मेरी खातिर और मैं हंसूंगा, तड़पेगी तू मेरी खातिर और मैं हंसूंगा। उड़ती है तू आसमां पे पर काट दूंगा मैं तेरे, मुझको यकीन है कभी तू आएगी कदमों पे मेरे। मगरूर ये हुस्न तेरा सीखेगा अब आहें भरना, सिखलाऊंगा तुझको अब मैं इस प्यार से प्यार करना। तरसाऊं 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 मैं तरसाऊंगा, तड़पाऊं 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 मैं तड़पाऊंगा, तोड़ूंगा मैं कभी तेरा ये सारा गुरूर, तड़पेगी तू मेरी खातिर और मैं हंसूंगा, और मैं हंसूंगा। ये नहीं समझना, मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने या मरने दूंगा। चलो कपड़े उतार कर ये कंबल ओढ़ लो। तुम जो सोच रही हो अगर मेरा इरादा वही होता तो मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ देता। अगर निमोनिया से मरने का इरादा नहीं हो तो मैं जो कह रहा हूं वही करो। मैं आग जलाता हूं।
कौन हो तुम? मेरा नाम मास्टर दयाशंकर था, आज मेरा नाम डाकू शंकर है। मैं तुम्हारी इज्जत लूटूंगा, क्योंकि तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए ही तो मैं डाकू बना हूं। भागने दो इसे, इसके भाई ने मेरी बहन को बहुत भगाया था। जीता तो मैं अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लूंगा, अगर तू जीता तो तू अपनी बेइज्जती का बदला लेना। कई पकड़ लो इसे, और कोई बीच में नहीं आएगा। शुरू हो जाऊं? अपना बदला लो, फोड़ दो इसके कपड़े, लूट लो इसकी इज्जत। सोचते क्या? इस लड़के को मैंने जीत लिया है, अब मैं इसकी इज्जत लूटूं या नहीं लूटूं तुम्हें इससे क्या? तुझे तो अपना बदला लेना भी नहीं आता लड़के, लाए लड़की मुझे दे, मैं इसकी इज्जत। अब अगर तूने इस लड़की को हाथ लगाया तो मैं तुझे यही जिंदा गाड़ दूंगा। चल चल। देविका!
ये बंदूक लो और भाग जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन तुम घायल हो। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मगर तुम मुझे उस डाकू से बचाते हुए घायल हुए बिल्लू। हाँ, हम छोटे लोग औरत की आबरू को बहुत महत्व तो देते हैं। अरे वो देख, अरे हाँ, ये तो खाई की तरफ जा रहे हैं। चलो, तुम इनका ख्याल रखो, मैं खाने के लिए मछली पकड़ कर लाती हूँ। आप लोग कौन हैं और मैं यहाँ कैसे? बाबूजी, तुम्हारी नाव तो उस गहरी खाई में गिरने ही वाली थी कि हमने तुम्हें देख लिया, वरना इस वक्त ना तुम होते और ना ही वो। वो कहाँ गई? वो तो चली गई। तुमने उसे जाने क्यों दिया? इस जंगल में वो कहाँ जाएगी? बड़ी जिद करने लगी कि वो जाएगी और कहने लगी कि जैसे तू अपने मर्द के लिए मछली पकड़ कर ला सकती है तो मैं क्यों नहीं ला सकती। मैंने कहा मछली पकड़ना मुश्किल काम है, तो बोली कि जब इसे पकड़ लिया तो मछली में क्या रखा है। तुम्हारी हर मुश्किल को आसान करना अब मेरा फर्ज है। Thank you.
जी का फोन आया है कि वो ठीक ठाक हैं। चमचा सिंह, हुकुम सरकार। आज बाहर का मौसम कैसा है? बहुत रंगीन है सरकार। तो फिर ऐसा करो कि आज मुझे कोई ताजी चीज दिखाओ। जी? हाँ, वो जो गैराज में जो लड़की थी उसका क्या नाम है? आज बिल्लू दिल्ली से जब वापस आएगा तो साला देखते ही फ्लैट हो जाएगा। लग रही हूँ गौरी। ये हराम करो, गौरी को छोड़ दो वरना एक एक की खाल उधर दूंगा।
मेरी बहन है वो, महलों में रहने वाली राजकुमारी। कपड़े उतारना तो क्या, वो इसके कपड़ों को छुए तो हम उसके हाथ काट कर फेंक देंगे। यही फर्क होता है एक राजकुमारी और गंदी नारी के कीड़े में। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मेरी इज्जत मत बिगाड़ो। गरीब लड़की के पास सिर्फ उसकी इज्जत ही तो होती है। क्या है? रपट लिखानी है। रपट? काय की रपट? रेप की रपट। रेप की रपट? क्या तेरा रेप हुआ है? हाँ। किसने किया है? ठाकुर यशवंत सिंह ने। क्या? यशवंत सिंह ने? तुझे पता है रेप की रपट की लिखवाई 500 रुपया होती है? तेरी बहन की रेप की रपट लिखवाई भी 500 रुपए होगी? क्या बकती है साली? ए थानेदार, गाली देना गौरी को भी आयला है, पर इस वक्त मैं उस हरामजादे के खिलाफ रपट लिखवाने आई हूँ और रपट लिखवा कर ही जाऊंगी। तुम लिखो रपट। अरे वाह, तुमने कहा और शहर के बहुत बड़े आदमी के खिलाफ हमने रपट लिख दी। डॉक्टर ही मुआयना करना होगा, देखना होगा कि रेप हुआ भी है या नहीं। देख दरोगा, मेरे बिल्लू के आने से पहले रपट लिख दे और उस यशवंत सिंह को जेल में डाल दे, वरना बिल्लू उसका खून कर देगा और मेरे बिल्लू को जेल हो जाएगी। अरे जाजा, वो और यशवंत सिंह बहुत बड़ा आदमी है, तेरा बिल्लू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों इंस्पेक्टर प्रताप? सर आप, क्या बात है, आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे? कैसे लिखूं सर, ये तो कुंवर यशवंत सिंह को नामजद कर रही है। तो क्या हुआ, कानून सबके लिए बराबर है। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो मैं लिखता हूं। बोलिए। मेरे घर में आने की जरूरत कैसे की तूने? एक दो टके की छोकरी के कहने पर तुम मुझे गिरफ्तार करने चले? वो दो टके की छोकरी भी आपकी तरह इस आजाद मुल्क की नागरिक है। क्यों अपनी शामत बुलाना चाहते हो इंस्पेक्टर? तुम मुझे और मेरे कनेक्शंस को अच्छी तरह जानते हो। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स ये कहती है कि उस लड़की का रेप हुआ है तो हुआ होगा, लेकिन क्या मेडिकल रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि उसका रेप मैंने किया है? मेरा नाम लिखा हुआ उस पे। मैंने कहा ना, ये फैसला करना अदालत का काम है, मेरा काम है आपको गिरफ्तार करना और मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। और अगर आप शराफत से नहीं चले तो मैं हथकड़ी लगा कर ले जाऊंगा। गेट लॉस्ट इंस्पेक्टर। हवलदार। यस सर। हथकड़ी लाओ। एक सेकेंड इंस्पेक्टर साहब, एक सेकेंड। ये एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर्स हैं। देखा इंस्पेक्टर, कानून की आंखों से पट्टी खुल गई ना। नाउ यू मे गेट आउट। गौरी! कैसे हो? आइए बैठिए। बिल्लू, मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि जब तक गौरी का बयान अदालत में नहीं हो जाता उसकी जिंदगी को खतरा है। इसकी मजाल है कि मेरी मौजूदगी में गौरी को कोई टेढ़ी आंख से देख भी सके। तो फिर तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगे। देखो मियां, पढ़े लिखे हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम क्या समझते हो तुम्हें मारने में उन्हें देर लगेगी? वो लोग बहुत ताकतवर हैं, कानून से भी ज्यादा। हाँ, लेकिन यह बाजी इतनी लंबी है बिल्लू चौधरी कि मैं भी यकीन के साथ नहीं कह सकता कि पुलिस गौरी को बचा पाएगी या बचाना चाहेगी। मैं तो यह चाहता हूं
कि तुम गौरी को लेकर एक रात के लिए कहीं चुपचाप निकल जाओ और कल जब अदालत में गौरी का बयान हो जाएगा तो खतरे की कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन एक बात याद रखो, ये बाजी हमें जीतनी है। मैं चलता हूं। एक झोपड़ी ने महल के साथ टकराने की जरूरत की है, वो बयान देने आ रही है। आपके सामने जोर से हंसने की माफी चाहता हूं। आप तो जानते हैं कि मैं सूर्यवंशी राजकुमार नहीं हूं, मैं वकील हूं। और वकील दो तरह के होते हैं, एक वो जो कानून की रक्षा करते हैं, दूसरे वो जो कानून का सौदा करते हैं। मैं उस लौकी से ऐसे सवालात करूंगा कि उसकी शर्म उसके होठों को सी देगी, और अगर उसका खुद का बयान उसके खिलाफ नहीं गया तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। डॉक्टर की रिपोर्ट और गवाहों के बयान से यह जाहिर होता है कि बलात्कार हुआ, लेकिन यह जाहिर नहीं होता मिलॉर्ड के बलात्कार कुंवर यशवंत सिंह ने किया। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि गौरी देवी को हरी अदालत में कटहरे में तहकीकात के लिए बुलाया जाए। गौरी देवी हाजिर हो, गौरी देवी हाजिर हो। गौरी, तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। पूछो वकील सेठ, पर मैं इस साले को छोड़ेगी नहीं। मैंने इसके सामने हाथ जोड़ा जज सेठ, रोई कि देख तेरे महल में भी एक बहन है। बहन आखिर बहन होती है, चाहे महल में हो चाहे झोपड़े में। मैंने इससे कहा अगर कोई उसके कपड़े उतारेगा तो तुझे कैसा लगेगा, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी। जब इसने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी। इस गरीब औरत की हाय तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। गौरी, तुम कुंवर साहब को पहले से जानती थी? नहीं, अपुन उसको पहली बार जब देखा, जब वो जो सामने बैठी है ना, अपुन को 130 रुपए का बिल देने के लिए चकचक कर रही थी। ये आया और मुझे 100-100 के दो नोट थमा दिए और बोला छुट्टा नहीं तो वांदा नहीं। लेकिन अपुन बोला कि सेठ गौरी तुम्हारा छुट्टा दे देगी। फिर इसके गुंडे लोग मुझे उठा कर ले गए। लेकिन गौरी, तुम ये कैसे कह सकती हो कि उठाने वाले इन्हीं के आदमी थे? नहीं तो क्या साले वो तेरे आदमी थे जो मुझे उठाकर इसके महल में छोड़ा है? इस राजा की औलाद ने उन्हें बख्शीश भी दी थी। अच्छा अच्छा, तो इसने उन लोगों को बख्शीश दी, पैसे दिए। फिर इसने मुझे पकड़ लिया और मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा। फिर मैंने इसे धक्का देने की कोशिश की और जब मैंने इसके हाथ पे दांत काटा तब इसने मुझे पहला लाफा मारा। फिर हाँ हाँ, फिर ये मेरे कपड़े उतारने लगा। मेरे कपड़े फाड़ दिए। अच्छा अच्छा, तो उसने तुम्हारा ब्लाउज फाड़ दिया, ब्लाउज फाड़ दिया ना? ओ गौरी, सर मत हिलाओ, साफ साफ जवाब दो, उसने तुम्हारा ब्लाउज फाड़ दिया? हाँ। फिर इसने मेरे अखे कपड़े एक करके नोच डाले। फिर वकील सेठ, अगर मैं तुम्हारी बहन होती तब भी तुमसे यही सवाल पूछते? खैर कोई बात नहीं, मैं जवाब दूंगी, सबका जवाब दूंगी, चाहे बोलते बोलते मेरी जबान कट के गिर क्यों ना जाए। फिर इसने मेरे गाल, गले, छाती पर दांत काटा। ओहो, उसने दांत काटा? फिर तो यकीनन उसके दांतों के निशान तुम्हारे गाल, तुम्हारी छाती, तुम्हारे गले पर होंगे ना? अब वो निशान तुम्हारे गले पर, तुम्हारी छातियों पर यकीनन होंगे। गौरी, उन निशानों को तुम्हें कोर्ट को दिखलाना पड़ेगा, क्योंकि यह बलात्कार का केस है और तुम्हें कोर्ट को बतलाना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ रेप हुआ।
मैं ये कह रहा था कि मुलजिम ने तुम्हारे कपड़े एक एक करके उतार दिए, उसके बाद क्या हुआ? बोलो गौरी, तुम खामोश क्यों हो? तुमको पता नहीं फिर क्या हुआ? उसने मुझे पलंग पे पटक दिया, मैं बहुत छटपटाई। फिर क्या हुआ? वो अपन को बेड पे पटक दिया। ये तो तुम दो बार कह चुकी हो, आगे बतलाओ ना कि बेड पर पटकने के बाद उसने क्या किया। अब देखो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम नहीं बोल पा रही हो। फिर उसने मुलजिम ने अपने कपड़े उतार दिए, है ना? जसब, ऐसा लग रहा है कि आप लोग चाहते ही नहीं कि वो शरीफ लड़की बलात्कार की फरियाद लेके न्याय मांगने आए। वकील साहब ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिनका जवाब देते हुए वेश्याओं की जबान भी रुक जाए। फिर ये तो एक शरीफ घरेलू लड़की है। जज साहब, कौन है ये आदमी? इसे अदालत से बाहर निकाल दिया जाए। चलो, तू चुप नहीं रहना गोरी, ये बेशरम कानून जो भी पूछता जाए बता दीजो, ये गरीब लड़की की इज्जत का सवाल। आज एडजर्न की जाती है, इस केस की सुनवाई कल सुबह 10 बजे होगी।
नहीं थी। गौरी एक गरीब छोकरी है, उसके पास इज्जत थी कहां जो कोई लूटे। इसलिए यशवंत सिंह ने गौरी की इज्जत नहीं ली, उल्टा गौरी ने एक इज्जतदार धनवान आदमी पर झूठा केस करके उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई है। इसलिए अदालत गौरी को सजाए मौत सुनाती है। गौरी एक बात बोलूं, तू अगर पढ़ी लिखी होती ना तो बहुत बड़ी जज बनती। चल जाने दे, ये लिखा ले। ए गौरी, ए गौरी, गौरी, ए गौरी, ये क्या है? मैंने जहर खा लिया। ऐसा क्यों किया तूने? अपुन एक झूठा पत्तल है, तेरे को अपना प्यार परोसने के लायक नहीं। नहीं गौरी नहीं। एक वादा करेगा बोल, उसे गौरी की बेइज्जती का एहसास दिलाकर ही जान से मारना। हाँ वादा गौरी। बिल्लू। हाँ गौरी बोल। बिल्लू बोल गौरी, गौरी चला रहा है। मैं बिल्लू चौधरी ऑनर और यह सरकार बनाम जसवंत सिंह की गवाह गौरी देवी है। आई आस्क द लर्नेड एडवोकेट टू क्वेश्चन हर। क्या देख रहे हो वकील साहब, यह गौरी की लाश नहीं, ये इस देश के उस कानून की लाश है जिसे वकील यह अधिकार देता है कि बलात्कार केस में मजलूम लड़की से ऐसे सवाल किए जाएं जिनका जवाब देते हुए एक वेश्या भी शर्मा जाए। ये इस देश के उस कानून की लाश है ये ऑनर, जो वकीलों के सवालों से घायल होकर लहूलुहान घर जाए और आत्महत्या कर ले। शायद कानून यह चाहता ही नहीं कि बलात्कार केस में मुजरिम को सजा हो। कल तक इस लाश में जो लड़की थी उसे मैंने समझाया कि बलात्कार लड़की के लिए नहीं, इस समाज के लिए शर्म की बात है। ये लड़की जबरदस्ती अदालत में आई थी ताकि इस आदमी से लड़ सके जो लड़कियों को पतंग की तरह उड़ाता है और पेच लग जाने के बाद कटी हुई पतंग को लूटने वालों के लिए छोड़ देता है। ये बड़ी हंसमुख लड़की थी योर ऑनर, जरा इसका चेहरा तो देखिए, क्या आपको लगता है ये लड़की कभी हंसती भी नहीं होगी? फिर ये क्या करती, ये लड़की क्या करती? इसमें दोबारा वकील सरकार वकील सभाई के सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। ये सरासर अन्याय है सरकार। इस आदमी ने बलात्कार किया है, इस आदमी ने बलात्कार किया है, इसे छोड़िए मत, वरना इस देश में फिर किसी लड़की की अबरू नहीं बचेगी। यह अमीर दिमाग बनकर गरीब लड़की की इज्जत आपलोग को चाटता है। तुम्हारे कहने से जुर्म साबित नहीं होता बिल्लू चौधरी, जुर्म साबित करने के लिए कानून के कुछ अपने तरीके भी होते हैं। योर ऑनर, ये आदमी अदालत की तोहीन कर रहा है। सच बोलने से अदालत की तोहीन नहीं हो सकती योर ऑनर, तोहीन नहीं हो सकती। और आप इस लाश को बिल्ले की तरह अपने गाउन में लगाइए, फिर घर जाकर कानून की चादर तलकर सो जाइए। लेकिन मैं जगता रहूंगा जब तक इस केस का फैसला ना हो, मैं जगता रहूंगा। आज के बाद इस केस का सरकार का वकील मैं हूं, गवाह मैं हूं और जल्लाद भी मैं हूं। थैंक यू योर ऑनर।
ये नहीं समझना कि तू चली गई तो यशवंत सिंह से मेरी लड़ाई भी खत्म हो गई। इस चिता में जलती हुई तेरी लाश की कसम, तेरी चिता तो मेरा कुरुक्षेत्र है। मैं यशवंत सिंह को बेइज्जती का वो जहर चखाऊंगा जिसकी कड़वाहट से मेरी जबान ऐंठ गई है। ये क्या बदतमीजी है? बोल, दर्द हुआ के मजा आया? बोल, दर्द हुआ के मजा आया? मुझे माफ कर दो, बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे माफ कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। उठ, यही सवाल तुझसे करना बाकी था। और यशवंत सिंह को एक बात बतानी है कि इज्जत इज्जत होती है, चाहे गौरी की हो या शाही खानदान की। बोल, यशवंत सिंह कहाँ है? बता दो। बोल, बताता हूँ। वो अपने शिकारगाह में। कल रात गौरी की चिता जली थी, आज यशवंत सिंह की जलेगी। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हारा साथ देने आई हूं। उनकी सजा मौत नहीं है बल्कि अपमान है, वही अपमान जिसकी आग में तुम जल रहे हो। कुंवर यशवंत सिंह की बहन तुम्हारे सामने खड़ी है, वो तुम्हें अपने प्यार से मुक्त करती है बिल्लू। अब तुम उसके साथ वही सलूक करना जो कुंवर जी ने तुम्हारी गौरी के साथ किया था। अरे देविका, कहाँ हो आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाइए। कैसे आऊं? बिल्लू मैकेनिक ने मुझे किडनैप कर रखा है। क्या कह रही है तुम? उसकी रिवॉल्वर की नली मेरे माथे पर है, वो आपसे बात करना चाहता है। यशवंत सिंह, हम साथी। अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो अभी इसी वक्त मेरी बहन के पांव पड़कर उससे माफी मांग ले। अगर उसने तुझे माफ कर दिया तो मैं तुझे जीने की इजाजत दूंगा, वरना तू कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की मौत। गौरी याद है तुम्हें? तो समझ लो तुम्हारी बहन गौरी है और मैं यशवंत सिंह। मैं अदालत में गौरी का पूरा बयान सुन चुका हूं और अब वही सीन करने जा रहा हूं। बिल्लू मैकेनिक तुम्हारी बहन की इज्जत लूटने जा रहा है। हरामजादे! अपने हाथ रोक ले। जो आज्ञा महाराज। अब मुझे खोजने तो जरूर निकलेंगे, तो अभी के जंगल के पेड़ों पर आपकी बहन के कपड़ों के टुकड़े अटके हुए दिखाई देंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे कपड़े उतारूंगा और आप उन कपड़ों के टुकड़ों को समेटते हुए अपनी बहन राजकुमारी की आबरू की लाश तक पहुंच जाएंगे। कुत्ते की मौत मारेगा तू? कुत्ते की मौत तो मैं मारूंगा तुझे। मैं बिल्लू चौधरी। हाँ, मुझे उसकी लाश चाहिए, कल सुबह तक मुझे बिल्लू चौधरी की लाश चाहिए, लाश। सुनो, तुम लोग सब उधर जाओ और बाकी सब इस तरफ जाओ।
मेरे होते हुए तुम्हें अकेले सोचने का क्या अधिकार है? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? मेरे दिल में गौरी की लाश रखी हुई है, अब इस दिल में तुम्हारे भाई की लाश रखनी पड़ेगी। क्या इन दोनों लाशों के साथ तुम मेरे दिल में रह पाओगी? भाई श्री, रुक जाइए। अच्छा किया तुमने देविका, उससे मैं ये भी भूल गया था कि इसे तड़पा तड़पा कर मारना है। बांधो इसे। इन्हीं हाथों ने मेरी बहन को छुआ है ना, मैं तेरे इन हाथों को काट कर फेंक दूंगा। हरामखोर! नहीं, मैं तुझे मरने से पहले वो बनाना चाहता हूं जो तू हमेशा बनना चाहता था। मेरे खानदान का राजकुमार बनना चाहता है ना, मगर राजकुमार बनने के लिए सर पे ताज पहनना पड़ता है, और मैं अपने हाथों से तेरे सर पे ताज पहनाऊंगा। तेरी ताजपोशी होगी अभी इसी वक्त। शेर सिंह! जी सरकार। इस राजकुमार के लिए ताज लेकर आओ। ताज सरकार। लो, आ गया तुम्हारा ताज। अब तुम बन गए राजकुमार बिल्लू चौधरी। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ताज ठीक तरह बैठा नहीं। बहुत सावधान है तुझे, खून बहाने पड़ते हैं राजकुमार बनने के लिए। श्री, अगर आप मुझसे जरा भी प्यार करते हैं तो बिल्लू को छोड़ दीजिए, प्लीज भाई श्री, प्लीज। नहीं, इससे मेरी जिंदगी की भीख मांगकर मेरे और अपने प्यार का अपमान मत कर देविका। बिल्लू, तुम इससे प्यार करती हो देविका? इस गंदी नाली के कीड़े से प्यार करती हो तुम? बोलो। जी भाई श्री। हट जाओ। स्टॉप इट। कुंवर यशवंत सिंह, मैं तुम्हें एक बेगुनाह शख्स को किडनैप करने और फिर उसे टॉर्चर करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। इसे बेगुनाह कहते हो तुम? नाली के इस कीड़े को बेगुनाह कहते हो तुम, जिसने मेरी बहन के दामन पर रेंगने की बदतमीजी की है? गलत कह रहे हो, तुम्हारी बहन ने खुद इसके रास्ते में अपना दामन बिछाया है। चलो मेरे साथ, चलो। इंसान नहीं, हैवान है, दरिंदे हैं। आपको जीने का कोई हक नहीं है। मैं नफरत करती हूं आपसे। मैं आपके खिलाफ गवाही दूंगी। मैं ये भी गवाही दूंगी कि आपने रशीद खान का कोल्ड ब्लड मर्डर किया है। तो मेरे खिलाफ गवाही देगी? जी। तो इससे पहले दोनों प्रेमियों की चिताएं जलेंगी अभी इसी वक्त। बांधो इसे भी। Thank you.
चलो।
शांति मिल रही होगी। जानता है गौरी ने मरने से पहले क्या कहा था कि तुझे मरने से पहले मेरी मौत का एहसास दिलाना। आज मौत का एहसास हो रहा ना राजकुमार। बिल्लू चौधरी का गौरी को दिया हुआ वादा आज पूरा हो गया। मेरी सारी दौलत ले ले, तुझे राजकुमार बना दूंगा मैं।